Estimates for uh, China, uh, excuse me, India, and all the countries, top 22 countries, and you can see it online if you want, country by country, and the reasons for it. India has the highest potential growth rate. I think India um, is where China was when I started to go, I started to go in 1984. So if you look at the complexion, the per capita income, and I think um, Modi is a Deng Xiaoping, so that you have a um, a ma massive uh, reform, development, creativity, all those elements. There are, of course, issues, r risk issues, uh, but India is, is very, uh, very important. Now, of course, there's, there's a religious internal issue having to do with the population has 240 million um, Muslims, and I don't think that any of these issues is going to stop India. I also in history the countries that were the neutral countries did the best. Hmm. So in other words better than the winners in wars. So as we have this conflict between the United States and China and its allies Russia and so on as we see that line up countries that are in the middle like India are Saudi going to be India. net and beneficiaries the East, of yeah. that. Yeah. US Billionaire Investor Ray Dalio देखेंगे अभी इनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है इन्होंने एक कमेंट किया कि इंडिया अभी उस स्टेज पे है जब चाइना 1984 में था आप बोलेंगे कि चाइना 1984 में था इंडिया उस अभी उस स्टेज में है तो ये तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन बहुत ख़राब हो रहा है कितने साल पीछे देखिए बहुत सारे बात यहाँ पर इन्होंने बोला है उन सबको अच्छे से डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं ऑल इंडिया समिट 2023 चल रहा था लॉस एंजल्स में इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी सेम वही काम कर रहे हैं जो चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीडर डेंग जियोपिंग जियो कर रहे थे इन्होंने चाइना एक के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से किया डेंग जियापिंग देखेंगे चाइना में इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और ये बताया जाता है चाइनीज़ इकोनॉमी को जो ग्लोबली लाए इतना ज़्यादा चाइना पावरफुल है जो चाइना का जो ये पावर है ये इन्हीं का देन है इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना बोला जाता है इन्होंने इकोनॉमी देश के लिए खोली जब माओ जदाउंग का डेथ हुआ था उसके बाद इन्होंने पावर संभाली और पूरे चाइना में देखेंगे किस तरह से अभी जो चाइना का ये प्रेजेंट आप स्टेटस देख रहे हैं बताया जाता है इन्हीं का क्रेडिट है तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनसे कंपेरिज़न कर रहे हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी तरह भारत को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं हर तरीके से उन्होंने बोला हम लोग 10 ईयर का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किए हैं और इंडिया जो टॉप 20 कंट्रीज़ में आता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल ग्रोथ है भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा आगे जाएगा अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डेंस जीपिंग जो अपने कंट्री में किए थे अभी नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं मैसेव रिफॉर्म डेवलपमेंट क्रिएटिविटी सब कुछ अभी लगातार भारत में हो रहा है सब पे काम हो रहा है और कोई भी इशूज़ कुछ भी उसके साथ उन्होंने बोला कि बहुत सारा इंटरनल मैटर भारत में चल रहा है लेकिन कुछ भी हो जाए भारत को अब कोई रोकने वाला है नहीं इंटरनल चैलेंजेस जैसे बोला बहुत सारे इश्यूज का डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस भारत में है इतना बड़ा पॉपुलेशन है आप देखेंगे जो एक रिलीजियस है इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल होता है इंटरनल मैटर में लेकिन इन सब किसी चीज़ से भी किसी चीज़ से भी भारत रुकने वाला है नहीं भारत बहुत आगे जाएगा लगातार ग्रोथ करता रहेगा क्योंकि यहाँ पे उनका मानना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है क्रिएटिव है साथ में उन्होंने बोला कि भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर कोई भी दो कंट्री वार करती है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको होता है जो न्यूट्रल रहता है उसको विनर से भी ज़्यादा फायदा होता है जो कंट्री जीत रही है उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है तो इन्होंने बोला कि चाइना और यूएस का जो टसल चल रहा है एक तरफ चाइना और रसिया देखेंगे उसके बाद यूएस और इलाई देखेंगे तो ये दोनों के बीच जो टसल चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो है भारत कि हिस्ट्री ये बताता है कि जब जब कंट्रीज न्यूट्रल रही है तो वो हमेशा विनर हुई है वो सबसे आगे रही है तो ये सारे बात देखेंगे यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया और भारत के की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि किस तरह भारत आने वाले समय में कितना ज़्यादा ग्रो करेगा तो देखिए ये किसी भारतीय का नज़रिया नहीं है एक बाहर का कोई इन्वेस्टर है क्योंकि हमारे देश में जब कोई इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्ट करेगा तभी हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा बूम करेगा तो इन्वेस्टर हमारे देश के बारे में क्या सोचता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब ग्लोबल लेवल पर कोई बिलीनियर इन्वेस्टर ऐसा बोल रहा है कि भारत में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है ज्यादा से ज्यादा यहां पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टेप बोल्ड चला जा रहा है कि हमारे देश का इकोनॉमी को सुधार लाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए जय हिंद